राम राम जी, मैं केसरएस के संदेश चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। और चैनल पर थे नया हो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, पास में घंटी को बटन अभी ने भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो आओ तो भी को नोटिफिकेशन सबसे पहले थाने मिले। और आज जी हमें लक्ष्मण गड्ढी जाके वापस से घर जा रही थी, तो जाते हुए रास्ता के अंदर मैं पूर्व साइड में मुँह घुमाया तो मैंने रामदेव जी गुरु जी खड़े दिखा। और फिर मैं सोचो का एक बार आप चलता हुआ मिलना बस। और आज गुरु जी एक बहुत ही बढ़िया शानदार एक संरक्षित जगह के अंदर खड़े हैं, तो जी गुरु जी से मिली मैंने बहुत ही अच्छा लगे। गुरु जी ने पूछताछ करी, बातचीत करी, तो गुरु जी बता रहा है कि 12 तारीख ने एक बहुत ही शानदार विवाह स्थलभी की ओपनिंग है, तो भी को सारो सिस्टम जचा रहे हैं। तो गुरु जी के परिवार का सदस्य भी हैं और गुरु जी भी इठे मौजूद है। तो देखो थाने में दिखा वहाँ पर बहुत ही शानदार सो एक ही विवाह स्थल। और भी कमाए गुरु जी का परिवार का सदस्य कौन कौन है बन भी मैं था मिला सियाँ। और गुरु जी तो आपने है ही है रामदेव जी, सो अब मिला हूँ थाने। गुरु जी राम राम जी। राम राम साहे, राम राम साहे। और जी कई कई बोलिया करे गुरु जी का तो प्रणाम करिया करे, तो प्रणाम गुरु जी। देखो राम को नाम सच बड़ो है, राम का नाम से बड़ो क्यों ही नहीं है। तो सही बात है। और देखो थाने देखा तो बहुत ही बढ़िया लगे होगा। आज गुरु जी एक संरक्षित जगह के अंदर खड़े, आपने मिलना तो बड़े ही है। जी मिलता हुआ चला तो अपन ध्यान भी पड़वा गुरु जी ठेके खड़े। देखो केसर जी बात यह की है की एक भगवान की मर्जी है, बताइए की छह मार्ग धन लाभ के जानत है सब लोग, विद्या बुद्धि उद्यम बल रूप तथा संयोग। बड़े ही संयोग की बात है के मैं अठे भाई का आयड़ो हो। और मम को ध्यानी अब 12 तारीख की ओपनिंग है विवाह स्थल की। तो ध्यानी वो के तैयारी कर ली, तो मैं तो बड़े मतलब मेरी मौज में ही खड़े हो। अच्छा, और संयोग से थे जा रहे हैं, ठीक है, नजर पड़ गई मेरे ऊपर जो थे वहाँ। संयोग भगवान की मर्जी है। हाँ हाँ, युवा स्थल है कि ओपनिंग को सिस्टम जता रहे हो। हाँ, ओपनिंग के सिस्टम 12 तारीख ना 12:15 बजे ओपनिंग है, फिर 1 बजे से हूँ लेकर के और 8:30-9 बजे तक यानी जितना आशीर्वती देर तक खानु है। और फिर रात में प्रकाश दास जी महाराज की और शिव भजन संध्या है। और आओ खे भी आओ और अन्न भी लाओ। और अच्छी जोर शोर से युवा स्थल को क्या नाम रखे? युवा स्थल को हर सीता मैरिज गार्डन। अच्छा हाँ, वो अपने बड़ाई बड़ा भाण ही बा को है। और हर्षिता होटल है। अच्छा अच्छा, हर्षिता होटल आकी है। और मारे से बड़ा भाई ही बा को है भाण जो है, जो पहले तो फौज में हो और अब वो मास्टर है, छोट के भाणजो होटल चलावे है। और भी भाणजा को बेटो भी नौकरी करे है, भाणजे की बड़ोड़े की मिसेज भी है, वह टीचर है। और भगवान की मर्जी है सब काम राम राजी हुए। नानी वालो चोरायो है भी, चौराया का पास के मायने ही युवा स्थल बने हैं जो हर्षिता पैलेस बहुत ही शानदार है। और अंदर को थाने में दिखा भी देसा, लेकिन थाने 12 तारीख ने अपना आसपास का जो भी थे लोग आओ देखो, था को बहुत ही स्वागत है ठे। अब दिखावा थाने आगे को और एरियो। अब आगे को जो एरियो है वो थाने दिखा रहे हैं। और शानदार सो मतलब बिल्डिंग भी बहुत ही मस्त है। अंदर का जो रूम है वह रूम भी मैं थाने दिखा देंगे एक दो। जहाँ फर्स्ट मठिनों जा रहे हैं तो थाने मेन गेट दिखाई दे रहे हैं भाई, कौन सी जगह के अंदर है। अब घुमा था मैं दिखा जो भी परिवार का सदस्य पहुँचे रहे थे। और अब थे देख सको हो चारों तरफ की बाउंड्री। पापा युवा स्थल गए अंदर। हाँ, और पीछे को मतलब भी एरियो थान दिखाई दे रहे हैं जहाँ वो बुनने को रूम है, किचन रूम है। और फिर थान में दिखा से स्टेज भी बहुत ही शानदार तरीका से बहुत बड़ो स्टेज बनाया डोए के अंदर। और बनायो कौन है बस मिला से जो रामदेव जी बताया कि किस्तूरी बाई से मिला हुआ था नाग। आपने विवाह स्थल है जो हर्षिता पैलेस वो अंक ही बनायो है किस्तूरी बाई, बहुत ही गीत गाया कर हैं शानदार। मैं एक दो अंक गीत भी थान सुनावा आज और मोकोयान को पड़गो के सब ही मिल गया, बहुत अच्छा लगे आज मिल। तो राम राम जी। राम राम जी। तो विवाह स्थल तो बहुत ही शानदार बनायो और बहुत दूर का माय बनायो। हाँ, बहुत ही दूर में बनाई है। तो थकीचिया सो बने हो या बेटा बेटी बना लियो? अब देखो जब शुरुआत तो मेरे ही एड़ी है। अच्छा ठीक है, लिए शुरुआत हाँ, में बनवा शुरू है। बेटा तो मेरा मुझसे तो करे है का? नहीं, बस तो करे, पर जब मान लो बने तो बाहर ही हो। हाँ, साल दो साल में अब भी मुझे बारम नहीं है। अच्छा, आज पूरा बारम नहीं है। अच्छा अच्छा, बारम नहीं है। जब थे खुद की मतलब शुरुआत में थे खुद सोची का भाई हॉस्टल बनाना चाहिए? हां, खुद ही सोची। अच्छा हां, और ये आज पूरा हो तो 12 तारीख की। 12 तारीख की ओपनिंग है। 12 तारीख तो जो आपने दर्शक देख रहे हैं बन भी इनवाइट कर दो। जो व्यास्थल का मान है 12 तारीख ने प्रोग्राम है। ऐसे बेड़ा हो जो। हां हां, देखो किस्तूरी बुआ जी इसका थानसन बुला रही तन सब नहीं आनो है। 12 तारीख ने 12:15 बजे की ओपनिंग है। पीके बाद का मान देखो रात को बजना को भी प्रोग्राम रखे गयो है। तो
जी अब किस्तूरी बाई के जब बुझाई ही पीर सो एड़ा ही बैठे आर आज ये देख रहे आगे 12 तारीख ने कत्ती की व्यवस्था मतलब हाल बाकी रहगी है 12 तारीख ने ओपनिंग करे भी पहली पहली जच्चा रहे हैं तो सब सो मिला दिया थाने हां तो मारे मामा की बाई है छोटा छोटा मामा की बाई है मारे बहनों पर ही इनको ससुराल है अच्छा अभी मतलब की है के बहुत इंटरेस्ट रखे हां चीजा के मायने मैं बोली भाई बोली मैं भी बोली 12 तारीख ने तो जासे हैं जैसे हां लेकिन बोली आज बोली पहली आपा साल रहा बिल्कुल बिल्कुल हां आई अभी अच्छा अच्छा राम जी राम राम जी राम राम जी तो आज ही है मतलब सार संभाल कर बनी आएगा सार संभाल गई मगर बेटी है जान को है रस में की का मैंने प्रोग्राम फिर देख बाद में जिम बाद में का बाद में बजा बाद में हां का बार बजा बार ऐसा काम करवाया हमको बेड़ा जेंशन कर दिया लेकिन बोल दिया आज बता दिया सही है तो आपने बुलाओ सब दर्शन नमस्कार कर सन से आओ सन नेता देशर से आओ है ना हां तो इसकी खातरी बुलाया मैं तो बहुत धन्यवाद हूं औषध गद्दा बजाता बिल्कुल बिल्कुल अरे नमस्कार साहब और मां के विधा में बुआ जी हमारे मारी बुआ जी लागे विधा में बुआ जी हमारे मंडी तक ही जो राम राम जी राम राम जी राम राम जी आज तो बहुत बड़ो प्रोग्राम है मां के तो 12 तारीख में आज ही बहुत बड़ो हो जो आप मिल लिया से अरे दुआ सुन देख बहुत खुश हुआ बिल्कुल बहुत खुश हुआ कि देखो आप किस्तूरी भाई का कहो वास्ता है फिर आगे इच्छा सुई को भेड़ो है यही बात ने देख बहुत में दालवीर की तो भाणो और मानजी सरपंच से पूर्व है हां हां भागे कर रहा हूं बिल्कुल बिल्कुल अब देखो मन तो बहुत अच्छा लागे यार मैं तो देख माने रामदेव जी के पहली मान दिखा लो नहीं तो मैं बात तो वहां काड़ा न मान तो आज तो दिखाणो जरूरी है तो मैं दिखाओ ही यार जनार तो मैं बहुत बड़ा प्रोग्राम कर छा बिल्कुल सब ने बुला छा सर ने बुला छा कि मारो प्रोग्राम देखो थे कि मैं बहुत ही खाड़ो प्रोग्राम कर सही है तो सब मन बहुत अच्छा लागे आज आज ही मैं तो बहुत राजी हां यार बहुत बहुत धन्यवाद है जो आज थे भी आया और माने भी ढेली आया जब मैं भी देख बहुत खुश हुआ देखो मिलबो कोई को संजोग से अगर आपने मिलबो लिखेड़ो जैसे मिलगा नहीं मिल पाई कोशिश तो करता बहुत दिन का अरे भगवान ही हुआ है क्यों फौज में नंगारो अरे बात में उखारो अरे खेजरी को काटो अरे साडी सोड़ा हाथ अरे और लड़क मन पेपर छूट गिर गटक तुलाई को ना थे जरा फेर को मान तो आनू ही हो आपने विधा में बाजी की भैया साकी बहुत जोरदार जोरदार एक है क्या है जो ज्ञानी गण ज्ञानी बैठे करे ज्ञान की बात मोतो अगर मोतो पटना खे मुकीर खे था तो मैं तो एन मास्टर जी ने ज्ञानी माना और मारी नंद ने बहुत ज्ञानी माना मैं तो उसको बड़े बड़े आज चलियो सही है और देखो जैसा बड़ा पृथ्वी को नाथ मालिक है बिल्कुल सब कुछ लेकिन फिर भी इच्छा तो होनी चाहिए अच्छी इच्छा उसी तो इच्छा काम उसी मारी इच्छा उसको मारे काम उसी तो अब आज है धन्यवाद आपको और बहुत बहुत नमस्कार वाह बुआ जी वाह बहुत बढ़िया बहुत स्तुति बुआ जी का बोझाई ही बैठे ही देखो साल से माल करबान दोपहर को टाइम निकाल इतनी दूर पहुंचे ही और आज आप मिलने सबको लिखेड़ो तो आज से भी थाने मिला जाए तो राम राम जी राम राम जी तो जी आज किसो लगयो था नटे मन बहुत जोर को लगे आज जी वो विवाह स्थल बनयो जी की जगह की मोलियड़ी है या ना ना घर की गर्की है हमारी बाइक अच्छा हां घर की है तो जाओ बाइक है बाइक जाओ 20-25 बीघा हो अच्छा हां जो भी मुई बना लियो हां हां कते बीघा रोक दी 10 बीघा अच्छा अच्छा हां बहुत बढ़िया देखो आपका गांव के अंदर ही बना लिया मार बड़ा ही बड़ा ही है भाई जी मां बहन नंद तुम्हारी बड़ी बड़ी है हमारा सक लाड़ चाव गणो अच्छा अच्छा अरे हमारे आंखों को मारे गणो हां जी विवाह स्थल की ओपनिंग तो 12 तारीख ने हो रही है लेकिन बीके पहले आज भगवान ने तो मनाई लिया दो गीत हम तो बढ़िया बढ़िया सुनाई दिया बालाजी को है जिया कोई गणेश जी को है आज स्थान ध्यान है बाण और भाई दोनों है जिसका बहुत ही प्यारो सो गीत सुनाओ ला जी रामदेव जी अकेला गा रहे हैं मन लाग रहे हो कि आज किस्तूरी बुआ जी है ना बहुत बढ़िया गा मेरा सुन लेना है कि किस्तूरी बुआ जी बहुत प्यारा प्यारा गीत गावे तो आज बाण और भाई को दुनिया को थाने गीत सुनाओ ला जानन मारे घर आओ और से सागे ले आओ प्रात सो पानी त्याल बटन को एरियो और अब आप चला ला अंदर है जी एक अंदर जाला तो सामने हॉल के माय तो तें दिख रही है जे स्टेज सी मतलब छोटो लगेड़ो है और 12 दूसरो और है पा अब हां हॉल के अंदर और थन 12 गणेश जी को गीत सुनाए तो मैं अठे सुनावा ला थन बहुत ही प्यारो से बालाजी को गीत बालाजी ने तो मना लिया सोयो मेरा
मरोड़ा सो बालाजी के चलाया पाजोड़ा सोयो भाया भाई मरोड़ा से बालाजी के चलाया पाजोड़ा सोर चाल पर चाल बालाजी के चलो या सोर चोनड़ी तो यो बालाजी के चाले चोनड़ी तो बाला सोरे घोड़ा मरोड़ा से बालाजी के चलो या दस रूम है सब एसी रूम एक रूम दिखा दीजिए लाल जैसी का सब भी बहुत शानदार है रूम है एक रूम दिखा दियो सारा सेम ही रूम है अंदर दस रूम है क्या वो बाथरूम दिखा दिया एक हॉल दिखा दियो अब पापा यहाँ एक ब्रो हॉल है दो ही हॉल है तो एक देख लिया तो दोनों की ही जय खान के दोनों की साफ होने का उनको बाथरूम एक साइड इस साइड बेड लग रही और एक इस साइड बेड लग रही दो हॉल है आठ रूम है आठ रूम और दो अब पापा ये बिल्डिंग का शुरुआत ऊपर खड़े हाँ और ऊपर को नजर थे देखो चारों तरफ को दिखाऊँ था जो बाईपास जा रही है लक्ष्मणगढ़ होती हुई बीकानेर जाती हुई है ना हाँ बीका एकदम जस्ट पास में ही है और अठे नानी और चौराहे चौराहे का एकदम सु पास में ही है कोई एड्रेस ज़्यादा बूझबा की जरूरत कौन पड़े के अंदर और देख लियो था के खाना के लिए बनेरती व्यवस्था दिखावा था और वो स्टेज बहुत बड़ा है रात का प्रोग्राम के लिए पनिया तो ध्यान है ही कि गुरु जी ने गीता को बड़ा शौक है और बहुत बढ़िया गीत है तो एक पुरानी मतलब पुराना टाइम को गीत आज गुरु जी सुना वाला था बहुत ही प्यारो से गीत ये सुनो बड़ा मगन होकर आनंद सुनो देखो गीत तो बहुत गावे हैं और अनेक उनेक गीत गावे हैं लेकिन पुराना जमाना का जगह केसर जी गीत ही ने वे धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं और वे गीत में एक आधी जगह सुने ही और एक आधी के कन्नू ही सुने ही एक गीत जब पहली वीडियो को मैंने अपलोड किया तो सबकी बड़ी इच्छा हुई का गुरु जी को गीत और ले रहो गुरु जी को गीत और सुनो मन गुरु जी को बोलो राती जगह दे दी सीखा गुरु जी राती जगह राती जगह तो देवाली देसी बाकी आप थोड़ा इंटरेस्ट रखना का माध्यम एक बहुत पुराना गीत है साथन गीत है तो मेरे काकी रे भाभी रे मारे भाई रे बोल सी अपना ये साथन नेड़ा नेड़ा ढे रे अपना Yeah.
जन सुन बनावा कोयल रे कोयल बागन रंग ते लाल